हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नेचर एडमायरर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ मैंने छोटी सी शॉपिंग की है, कुछ प्लांट्स और पॉट की, वो दिखाऊंगी और साथ ही आपको अपना इंडोर गार्डन भी दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे जो गेट के बगल में मेरी क्यारी बनी है, उसमें कितने अच्छे से रोज़ खिले हुए हैं। देखिए, ये देसी रोज़ेज़ हैं और ये बहुत ही अच्छी खुशबू होती है इनमें, और ये इसमें बहुत सारे फ्लावर्स खिले थे जो हमने भगवान जी पर भी चढ़ा दिए। अब इसमें दो अभी भी बच्चे हैं, अभी इसमें अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है सर्दियों में, और ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता, खुशबू भी होती है। देखिए, मेरे ऑरेंजेस के पौधे लगे हुए, इसमें ऑरेंजेस लगे हैं। ये देखिए, ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है, ट्री है, रेड हिबिस्कस का। ये देखिए, ये मेरे गेट के बगल की क्यारी है जिसमें बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑरेंजेस। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये मेरे जो इस गेट के सीढ़ियों के बगल में इतनी सारी, ये देखिए, तुलसी जी हैं जो कि अपने आप ग्रो हो गई हैं। इतनी सारी, आप यकीन नहीं करोगे। इसमें हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, ना तो पानी डालते हैं, ना इसकी कोई देखभाल करते हैं, लेकिन अपने आप ये इतनी सारी उगी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जो हम मैंने कुछ दो तीन प्लांट खरीदे हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खरीदे हैं, दो तीन प्लांट और दो तीन प्लांटर खरीदे हुए हैं। इससे पहले मैंने और भी ख़रीदे थे मगर वो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी। थोड़े ज़्यादा खरीदे थे मगर मौसम ख़राब होने के कारण शेयर नहीं कर पाई थी। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ, अपने प्लांट शेयर कर रही हूँ। देखिए, मैंने डहेलिया का ये प्लांट लिया है, ये इतने बड़े पॉली बैग में लगा हुआ मुझे मिला है। ये मुझे 60 रुपीज़ का मिला है फ्रेंड्स, और ये काफ़ी अच्छा हेल्दी प्लांट है, और इसके फ्लावर्स का कलर बहुत अच्छा लगा मुझे, तभी मैंने इसे ले लिया। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये थूजा का प्लांट मैंने एक और लिया है। एक मैंने आपको अपने टेरेस पे दिखाया था, एक थूजा मैंने न्यू प्लांटर में ऐड किया था, लगाया था, उसी तरह का मैं दूसरा प्लांट एक और लेकर आई हूँ, और दोनों को मैं अगल बगल रखूँगी। इसको पेयर में लगाया जाता है, तो एक प्लांट जो मेरा पहले से था उसका शेप अच्छा नहीं है, तो मैं इसी तरह का एक और प्लांट लेकर आई हूँ। ये मुझे 70 रुपीज़ का मिला है, और ये बहुत अच्छा हेल्दी प्लांट है और घना है, बुशी है। और ये देखिए, एक प्लांट मैंने ये लिया है सीजनल, ये मिमुलस का प्लांट है, ये मेरा एक छत पर लगा हुआ है इस तरह का प्लांट, और इसमें रेड कलर के बहुत खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं। फ्रेंड्स, आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, ये चौड़ाई में चारों ओर बहुत अच्छे से फैल जाता है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। आप इसको चौड़े पॉट में या हैंगिंग बास्केट में लगाइए तो ये बहुत अच्छे से फैल जाएगा और फ्लावरिंग भी करेगा। तो इसमें देखिए किस कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये तो मेरा रेड, ऊपर तो मेरा जो रखा रेड कलर का है। अब ये जो थूजा होता है फ्रेंड्स, इसको हम कहते हैं जोड़े में लगाना चाहिए। तो मेरे पास एक था, मैं दूसरा लेकर आई, लेकिन जो मेरा पहले वाला प्लांट था वो फिर उसके आगे मतलब अजीब सा लग रहा था, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं थी। तो मैं ये ऐसा ही प्लांट, ऐसे बहुत अच्छे सारे आए थे नर्सरी पे, तो मैं ले आई एक और। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने फिश प्लांटर ख़रीदा है सेरेमिक का, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है, और इसमें अच्छा खासा स्पेस भी है कि हम इंडोर प्लांट कोई भी लगा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ा ना होता हो। और ये फिश प्लांटर मुझे 150 का मिला है ओनली, और ये मुझे तो ये लग रहा है कि ये इस रेट में बहुत अच्छा मिल गया है, काफ़ी सुंदर लग रहा है, इसकी फिनिशिंग वगैरह भी बहुत अच्छी है और काफ़ी अच्छा है, इसमें स्पेस भी है, देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। मैं इसमें इंडोर प्लांट लगाऊंगी फ्रेंड्स, तो आप बताइएगा मुझे कैसा मिला 150 का। वैसे हर जगह मैंने कई जगह पूछा है, यहीं पर तो अपनी सिटी में तो कॉस्टली देते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, मैंने एक प्लांटर लिया है, इसी तरह के प्लांटर में मैंने थूजा का ऊपर टेरेस पे अपने प्लांट लगाया है, तो मैं सेट बनाने के लिए वैसा ही प्लांटर उसी कलर का फिर एक लेकर आई हूँ। ये मुझे 120 का मिला है, ये काफ़ी मजबूत प्लांटर है, ये प्लास्टिक का तो है मगर इसकी प्लास्टिक कुछ रबर टाइप में लगती है, ये उस तरह की प्लास्टिक नहीं है जो टूट जाए, काफ़ी अच्छा प्लांटर आप देख रहे होंगे। और ये देखिए, नीचे इसके साइज़ भी लिखा हुआ है, 9.75 इसकी चौड़ाई है और 10 इंच इसकी लंबाई है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी स्पेसियस है और बहुत ही खूबसूरत है, कॉपर कलर का है जो कि बहुत मेटेलिक लग रहा है, देखने में मेटल का लगता है, ये बहुत खूबसूरत लगता है। और एक ये प्लांटर देखिए मैंने और लिया है रेड कलर का,
इसमें फ्लावर्स बने हुए हैं, थोड़ा उससे पैटर्न अलग है, लेकिन ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था मुझे, तो ये मैंने ले लिया। ये भी मुझे ये 150 का उन लोगों ने मुझे बताया था, मगर कुछ लेस किया था 10 या 20 रुपीज़ ऐसे ही। टोटल जितने मैंने आइटम ख़रीदे थे उसमें 30 रुपीज़ लेस किया था उन्होंने। अरे बहुत खूबसूरत है, फ्लावर्स भी मैंने, ये देखिए इस पर 150 लिखा हुआ भी है प्राइस, और इसमें भी फ्रेंड्स इसका साइज़ वगैरह सब लिखा हुआ है। और इन प्लांटर की खासियत ये है फ्रेंड्स इन दोनों की, कि ये धूप में जल्दी फेड नहीं होंगे, इनका कलर नहीं जाएगा, क्योंकि इस टाइप में मैं एक और प्लांटर लेकर आई थी तो उसका भी कलर नहीं गया है, धूप में रखा है मेरा। ये देखिए फ्रेंड्स लिखा हुआ है इसमें 11.50 इंच की लंबाई है और 9.20 इंच की चौड़ाई है। तो ये देखिए फ्रेंड क्लियर इस पर सब कुछ लिखा हुआ है, एटलांटिक कंपनी का है ये, लेकिन बहुत अच्छा प्लांटर है ये। तो देखिए आप ऐसे लगा कर इसको रखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा, बहुत ही खूबसूरत लुक देगा आपके गार्डन में। अगर आप इसे इंडोर गार्डन में रखेंगे तो भी और भी खूबसूरत लगेगा। मैं देखती हूँ इसे इंडोर में रखती हूँ या आउटडोर में। तो फ्रेंड्स ये मेरी छोटी सी शॉपिंग थी, कुछ मैंने बहुत कम ही प्लांट और प्लांटर लिए हैं, लेकिन फिर भी मैं प्लांटर भी पहले ढेर सारे लाई थी मगर वो शेयर नहीं कर पाई थी, और ये फ्लावर भी बहुत ही खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स कैसे लगे आपको मेरी छोटी सी शॉपिंग, और कैसा लगा आपको मेरा ये इंडोर गार्डन, और जो मैंने आपको अपने बाहर क्यारी में रोज़ेस वगैरह दिखाया वो सब कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन